हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जा सकती है। खास तौर से बात करेंगे कल के मार्केट की, यानी कि ट्यूजडे की। परसों को है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और जिस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को अगर आप ध्यान से समझे, बाजार ने नए हाई लगा के क्लोजिंग दी है। बाजार गैप अप ओपनिंग हुआ 29 को, और अगर आप देखें अपने हाई के आसपास बंद होना अपने आप में पॉजिटिव साइन है। तो कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ खिसकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और अलर्ट लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, और उन्हीं लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए यहाँ पे। तो अलर्ट लेवल कल के लिए क्या क्या है उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट अलर्ट लेवल जो यहाँ पे मिला है 49,550 रुपए का एक अलर्ट लेवल है। बाजार अगर इस लेवल को क्रॉस करता है या सस्टेन करता है, एक बात ध्यान रखना, क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बना के सस्टेन करता है, बाजार इस लेवल को होल्ड कर जाता है। देखो अगर हाई ब्रेक करता है तो भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, 450 से 550 की, यानी कि 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक की मिल सकती है, आराम से मिल सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। कॉल साइड एंट्री आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये लेवल कहाँ तक जाएगा, 49,550 तक। 49,550 भी अगर सस्टेन करता है तो बाजार नए हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। 49,800 और 50,000 रुपीज के भी आपको दर्शन बाजार इस हफ्ते करा सकता है। तो सस्टेन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से 49,550 रुपए के ऊपर, तो एक बड़ी तेजी, बड़ी दिवाली बाजार में बैंक निफ्टी में नजर आपको आ सकती है। बाजार अगर करेक्ट होता है या फिर बाजार गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कहां तक आ सकता है, तो पुट साइड एंट्री आप प्लान करना। गैप डाउन ओपनिंग होती तो एक बार को यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 49,150 रुपए का। 49,150 तक आराम से बाजार ट्रेवल करके आ सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग बाजार में हो रही है तो, यहाँ तक के लेवल भी, और यहाँ से आपको एक यू टर्न लेता हुआ भी बाजार नजर आ सकता है, तो एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा अलर्ट लेवल 49,150 रुपीज का। तो यहाँ पे दोबारा कॉल साइड एंट्री प्लान की जा सकती है। बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है 49,150 के आसपास और प्राइस एक्शन बना के दोबारा ऊपर निकल रहा है तो आप कॉल साइड एंट्री प्लान कर, ठीक है, इस जगह कॉल साइड एंट्री प्लान। अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं करता तो वीकनेस दिखा सकती है बाजार में 48,990 की तरफ। 49,150 भी तोड़ देता है तो वीकनेस बाजार में आएगी 48,990, 48,680 रुपए के लेवल्स आपको आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बाजार में आप देखो कहीं ना कहीं बाजार ने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, फिर यही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बाजार में कहीं ना कहीं हम निफ्टी के लेवल की। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को फॉलो करना। जो लोग ऑप्शन में मास्टरी करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली ब्रांच में भी और ऑनलाइन भी आज से, ठीक है, और ऑफलाइन के 2 मई से स्टार्ट। अब बात करें निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखें निफ्टी कहाँ स्टैंड कर रहा है, निफ्टी भी नए हाई लगा के क्लोजिंग दी है। प्रीवियस डे हाई इसने ब्रेक कर दिया प्रॉपर तरीके से और उसी के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी प्रीवियस डे, और उससे यानी कि 25 तारीख और 26 तारीख दोनों का हाई ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, जो कि अपने आप में पॉजिटिव साइन है। अलर्ट लेवल्स की बात करूं तो कहाँ का अलर्ट लेवल बाजार के दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखें बाजार इसमें भी पॉजिटिवनेस है। इसमें क्या है, बाजार में अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है तो कहां तक जाएगा बाजार, उसका भी लेवल मैंने नोट किया है, यानी कि 22,660 रुपए। 22,660 ब्रेक होता है तो आराम से 40 पॉइंट ट्रेवल कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आपको कॉल साइड मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तब एक ट्रेड प्लान करना 22,700 का। 22,700 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो फिर बाजार में एक बड़ी तेजी की संभावना है 22,800 तक। तो आपको ध्यान रखना है वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना। भले ही गैप अप ओपनिंग हो तो बाजार हो सकता है यहाँ तक जाए फिर यू टर्न लेके नीचे आ जाए, ठीक है, तो इस जगह ध्यान रखना। अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है 22,700 के नीचे तो पुट साइड एंट्री प्लान, 22,660 के ऊपर कॉल साइड एंट्री प्लान करना, तो वो एक छोटा मोटा मोमेंटम आपको स्कैल्पिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा और दोनों साइड भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ से बाजार आपको घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान। कहाँ तक सपोर्ट लेगा बाजार, 22,590 रुपए के आसपास तक सपोर्ट ले सकता है, बट ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है 22,590 तो बाजार में वीकनेस धरा सकती है,
22,480 रुपए के लेवल बाजार में आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। इस बात को आपको गौर फरमाना है, 22,480, 22,480 भी अगर सस्टेन नहीं करता बाजार तो फिर वीकनेस गहराती भी आपको नजर आएगी। नेक्स्ट बाजार में सपोर्ट रहेंगे 22,440 एंड देन 22,400 रुपीज के लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते, ठीक है। तो ये लेवल है, तो अभी फिलहाल के लिए जो रेंज है वो ये थोड़ी बड़ी रेंज है, 22,480 से 22,700 रुपए तक की रेंज कल के लिए अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो गैप डाउन हो रही है इसके नीचे, तो एक एंट्री यहाँ तक मिल जाएगी बाजार में, और बाजार अगर आपको यहाँ तक आके दोबारा यू टर्न मार रहा है इस जगह से तो भी आपको एक एंट्री यहाँ से मिल सकती है। तो हो सकता है बाजार इस रेंज में ट्रेवल करता हुआ नजर आए, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इस वाली ये वाली रेंज में ट्रेवल करता हुआ नजर आए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a red skin.